हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 99 पर। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा घर हमारा विद्यालय जो आपके स्कूल से प्रयास पुस्तिका आपको 6 से लेकर 8 तक के लिए मिली हुई है, इसका हम जो है प्रोजेक्ट का नंबर 20वां इस वीडियो में जो है कंप्लीट आपको जो है करवाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम ले चलते हैं आपको प्रोजेक्ट का नंबर 20वें की तरफ। और प्रोजेक्ट का नंबर 20वां हम डायरेक्ट आपको यहाँ पर सॉल्व कराना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए और चलिए हम ले चलते हैं आपको प्रोजेक्ट का नंबर 20वें की तरफ। तो ये रहा गाइस आपका प्रोजेक्ट का नंबर 20। तो इसको हम जल्दी से आपको सॉल्व यहाँ पर करवाते हैं। प्रोजेक्ट का नंबर 20 में पूछा गया दोस्तों अपने स्व अध्ययन की साप्ताहिक योजना बनाकर दी गई टेबल में भरें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग दोस्तों मैथ साइंस सोशल साइंस इंग्लिश हिंदी संस्कृत यहाँ पर देखा, ये आपको एक टेबल, तो यानी कि आप लोग मंडे को क्या पढ़ोगे ट्यूसडे को क्या पढ़ोगे ये जो है हमें सारे कुछ यहाँ पर बताना है। जैसे कि हम मंडे को पढ़ेंगे लेसन 1 एक्सरसाइज 1.1, ठीक है मैथ की। अब साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे लेसन 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है मंडे को, ठीक है। और सोशल साइंस में पढ़ेंगे हम लेसन 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और इंग्लिश में पढ़ेंगे दोस्तों एग्जांपल यहाँ पर तो दिया ही हुआ है, इंग्लिश में हम लेटर राइटिंग पढ़ेंगे, ठीक है लेटर राइटिंग पढ़ेंगे। अब हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम लेटर राइटिंग, और संस्कृत में भी हम लेटर राइटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर करवा दिया है। अब हम ट्यूसडे को क्या पढ़ेंगे, ये सारी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर बताना है। ट्यूसडे को पढ़ेंगे हम लेसन 1 एक्सरसाइज 1.2 मैथ की, ठीक है। और लेसन 2 पढ़ेंगे, लेसन 1 पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और लेसन 1 पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपका सोशल साइंस में, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे हम ट्यूसडे को दोस्तों स्मॉल लेटर रीडिंग, और हिंदी में पढ़ेंगे हम ईजी रिटनिंग, और यहाँ पर पढ़ेंगे हम ईजी रिटनिंग, ठीक है राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी। इसी प्रकार से आप लोग वेनसडे को क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है, कौन सब्जेक्ट में क्या पढ़ोगे कौन सा चैप्टर पढ़ोगे ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो आप लोग यहाँ पर मैंने सारे कुछ यहाँ पर आपको चीज़ें यहाँ पर लिखवा दी हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मंडे को क्या पढ़ोगे आप, ट्यूसडे को क्या पढ़ोगे, वेनसडे को क्या पढ़ोगे, और थर्सडे को क्या पढ़ोगे, फ्राइडे को क्या पढ़ोगे, और सैटरडे को क्या पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता दिया मंडे और ट्यूसडे। अब हम देखते हैं वेनसडे। तो वेनसडे को हम मैथ में पढ़ेंगे लेसन 2 एक्सरसाइज 2.1, और यहाँ पर दोस्तों अब हम साइंस में पढ़ेंगे, साइंस में हम वेनसडे को पढ़ेंगे लेसन 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और यहाँ पर सोशल साइंस में पढ़ेंगे लेसन 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और अब नेक्स्ट हमारा इंग्लिश, ठीक है, और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे वेनसडे को, इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लेसन 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और यहाँ पर हिंदी में पढ़ेंगे लेसन 1 ग्रामर का, ठीक है, और यहाँ पर लेसन 1 ग्रामर का पढ़ेंगे संस्कृत में, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब देखते हैं हम ट्यूसडे को क्या पढ़ेंगे, सॉरी थर्सडे को क्या पढ़ेंगे, फ्राइडे को, सैटरडे को क्या क्या पढ़ेंगे। तो थर्सडे को हम पढ़ेंगे लेसन 2 एक्सरसाइज 2.2 मैथ में, और साइंस में पढ़ेंगे लेसन 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और यहाँ पर सोशल साइंस में पढ़ेंगे लेसन 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लेसन 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और इसी प्रकार से हिंदी में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेसन 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और संस्कृत में पढ़ेंगे हम लेसन 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है थर्सडे को। और इसी प्रकार से आप लोग फ्राइडे को क्या क्या पढ़ोगे वो लिख देना है, और सैटरडे को क्या पढ़ोगे वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भरवा दिया, आप लोग यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर भर देना। जैसे कि मैं फ्राइडे को पढ़ूंगा यहाँ पर मैथ में लेसन 3 एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, और यहाँ पर आपका साइंस में पढ़ूंगा मैं लेसन, देख सकते हो यहाँ पर आपका दिया हुआ है मैथ साइंस सोशल साइंस इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत, ठीक है। तो अब मैं पढ़ूंगा यहाँ पर साइंस में लेसन 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और सोशल साइंस में लेसन 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं टेंस, और यहाँ पर हिंदी में पढ़ूंगा लेसन 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और संस्कृत में पढ़ूंगा लेसन 1 क्वेश्चन आंसर, ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और सैटरडे को भी मैं ऐसे ही करूँगा, सैटरडे को अब पढ़ूंगा मैं लेसन 4 एक्सरसाइज 4.1 मैथ में, और सोशल साइंस में पढ़ूंगा लेसन 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और यहाँ पर सोशल साइंस में पढ़ूंगा लेसन 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ूंगा आर्टिकल्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं अब हिंदी में पढ़ूंगा लेसन 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और संस्कृत में लेसन 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको टेबल में आप लोग, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कौन से दिन को कौन सा चैप्टर आप पढ़ोगे अपना, ठीक है, आप इस सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, ठीक है, तो कौन सा चैप्टर और क्या पढ़ोगे आप लोग ये सारी चीज़ें लिखना था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर करवा दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया राइट योर डेली रूटीन इन 10 सेंटेंस। 10 सेंटेंस में आपने डेली रूटीन लिखना है हमें, ठीक है, कि आप लोग क्या क्या करते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट दिया गया आई गेट अप एट 7 o'clock in the morning, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड आपको लिखना है
आई धीम ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग। तीसरा आपको लिखना है एट सेवन ओ क्लॉक आई टेक माई स्कूल बस, ठीक है। इसके बाद फोर्थ लिखना है आई अटेंड द मॉर्निंग असेंबली इट स्कूल। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपको लिखना है आई वॉश माई हैंड एंड फेस। सिक्स्थ पॉइंट आपको लिखना है आई डू माई हार्ड वर्क इन मॉर्निंग। और सेवन्थ पॉइंट आपको लिखना है आई टेक माई डिनर एंड गो टू बेड दिस टू बाय 9 o'clock, ठीक है। और आठ में लिखना है आई रीच द स्कूल इन द टाइम। एट में आप नाइन में आपको लिखना है आई रूटीन होम बाय 7 PM, ठीक है। इसके बाद सेवन आपने नाइन और टेन अपॉइंट टेन पॉइंट में लिखना है आई गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग। और इलेवंथ पॉइंट में लिखना है आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया था, लेकिन एक्स्ट्रा ये तो एग्जांपल के लिए दिया गया था, लेकिन 10 पॉइंट्स में हमें लिखना था। तो यहाँ पर पूछा गया है 10 सेंटेंस, तो यहाँ पर मैंने आपके 11 बना दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर डाल दिया था, तो मैंने 11 पॉइंट बना दिए, यानी कि मैंने 10 ही बनाए हुए हैं, ठीक है। 10 सेंटेंस पूछा था, तो मैंने 10 यहाँ पर आपके करवा दिए हैं, ठीक है, आपके डेली रूटीन के, ठीक है। अपनी दिनचर्या के बारे में 10 वाक्य लिखिए, ठीक है। तो मैंने आपके आपको जो है लिखवा दिए हैं। अब आपका जो कार जो प्रोजेक्ट का नंबर 20 था, ये जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, अच्छे तरीके से। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रोजेक्ट का नंबर 21 में जो है करवाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।